वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑन फार्माकोलॉजी। दिस लेक्चर इज़ बेसिकली ऑन द इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इसमें हम बेसिकली जो फार्माकोलॉजी है और उसके जो मेन टर्म्स हैं उनको सिर्फ देखेंगे। उसके अलावा ये जो पूरी लेक्चर सीरीज़ है इसके जिन बुक्स से ये लेक्चर्स प्रिपेयर किए गए हैं उनका रेफरेंसेस नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू सी दैट, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट एक्चुअली फार्माकोलॉजी इज। फार्माकोलॉजी इट इज डिफाइंड एज, सो फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स फॉर थेराप्यूटिक मेजर्स। प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज़ यही हो सकती हैं कि जो ड्रग है उसका ओरिजिन क्या है, उसके केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसका यूज़ क्या है। ये सारी चीज़ें उन ड्रग्स की जो कि थेराप्यूटिक मेजर्स में यूज़ हो सकती हैं उनकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह एक टर्म है वेटनरी फार्माकोलॉजी। वेटनरी फार्माकोलॉजी भी स्टडी ऑफ ड्रग्स ही है, ठीक है, लेकिन ये वो ड्रग्स हैं जो कि हम डोमेस्टिक एनिमल्स में यूज़ की जाती हैं, ठीक है, दैट आर यूज्ड इन डोमेस्टिक एनिमल्स। बेसिकली ये जो फार्माकोलॉजी है ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, अगर मैं बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूँ इस बात को, तो इसको कहते हैं एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। और जो फार्माकोडायनामिक्स है वो क्या है, उसको हम कहते हैं कि एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। इसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। मतलब क्या है कि जब भी कोई भी ड्रग हम एनिमल के ऊपर, चाहे वो इंजेक्ट करें या पर ओरली दें या सब, मतलब किस पर, एंटेरल, पार एंटेरल, ठीक है, टॉपिकल, कोई भी रूट के थ्रू हम अगर एनिमल को ड्रग दें तो वो ड्रग जो है बॉडी के अंदर जाएगी और जाने के बाद वो तीन चार प्रोसेसेस से गुजरती है, जिसमें एक है अब्सॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, और चौथा है एक्सक्रीशन यानी क्लियरेंस ऑफ ड्रग। इसको हम सिंपली लिख देते हैं ADME। ये जो प्रोसेस है यानी एक ड्रग को बॉडी के अंदर पहले उसको अब्जॉर्ब करवाना, फिर उसको टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट करवाना, उसकी मेटाबॉलाइजेशन करवाना, उसको फिर एक्सक्रीट करना, ये सारे बॉडी के एक्शंस हैं एक ड्रग के ऊपर। इसी तरह जो एक्शंस ड्रग बॉडी के ऊपर करेगी वो फार्माकोडायनामिक्स है। मतलब क्या है, इसको आप कह सकते हैं लाइगेंड रिसेप्टर इंट्रैक्शंस, ठीक है, या इफ़ेक्ट्स या रिस्पॉन्सेस, ठीक है। ये है स्टोरी ड्रग एक्शन ऑन बॉडी। जैसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है ये, ठीक है, और ये आपके पास ऊपर एक ड्रग है। जब ये ड्रग इसके साथ बाइंड करेगी रिसेप्टर के साथ, ये लाइगेंड है यानी ड्रग है और ये इसका रिसेप्टर है, तो इंट्रासेलुलर रिएक्शन स्टार्ट होंगे और जो भी बॉडी के अंदर इफेक्ट्स आना प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या है, दिस इज द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट अगली टर्म आती है हमारे पास ड्रग। ड्रग इट्सेल्फ क्या चीज़ है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ड्रग इज़ डिफाइंड एज केमिकल कंपाउंड दैट इज एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी टू एड इन डायग्नोसिस, ठीक है, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज, और यूज्ड अदरवाइज इन अबनॉर्मल कंडीशंस फॉर रिलीफ ऑफ पेन और टू कंट्रोल और इम्प्रूव एनी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस। सो दिस इज व्हाट ड्रग इज। और यही ड्रग जो है पॉइजन बन जाएगी अगर इसकी डोज जो है वो ज़्यादा दे दी जाएगी।
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ड्रग इज़ ड्रग व्हेन गिवन इन अप्रोप्रिएट डोजेस, अदरवाइज इट विल बिकम अ पॉइजन। उसके बाद हमारे पास आते हैं ड्रग जो है उसके नेम्स आते हैं। अब ड्रग जो है आपके पास उसके दो नाम होते हैं, एक को हम कहते हैं जेनेरिक नेम और दूसरा हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड नेम या प्रोप्राइटरी नेम। जो ट्रेड नेम होता है वो बेसिकली ड्रग के उसके अपने केमिकल स्ट्रक्चर से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास बेंजाइल पेनिसिलिन है, ठीक है, और ये नाम जाहिर सी बात है उसका पेनिसिलिन रिंग स्ट्रक्चर है, वो बीटा लैक्टाम है ये, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर से ही बेसिकली जो जेनेरिक नेम होता है वो ड्रग का ड्राइव किया जाता है। लेकिन जो ट्रेड नेम होता है, प्रोप्राइटरी नेम है, वो जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं ड्रग को वो नाम देती हैं उस ड्रग को। यानी जो मार्केट में आप दवाई लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो नाम आपको अवेलेबल मिलेगा, जिस नाम से आप ले रहे होते हैं, वो प्रोप्राइटरी नेम है। फॉर एग्जांपल बेंजाइल पेनिसिलिन है, वो पैनीवेट के नाम से मिल रही है, ठीक है। 5 ग्राम इंजेक्शन 5 ग्राम के नाम से मिल रही है, ठीक है। और उसके अलावा अपने नाम से ही मिल जाती है बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। हेयर आर द एग्जाम्पल्स, ये क्या है, ये है पैनीवेट 5, ठीक है। उसके बाद ये इट्सेल्फ बेंजाइल पेनिसिलिन के नाम से ही अवेलेबल है, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, इसमें आप पानी डालकर जो है वो इंजेक्शन प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद ये 5 ग्राम का इंजेक्शन है, ठीक है, इस नाम से आता है, 5 ग्राम के नाम से आता है। तो ये जो है ये ट्रेड नेम्स हैं, इनको प्रोप्राइटरी नेम कहते हैं। और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर जो ड्रग है वो इटसेल्फ उसका जेनेरिक नेम होता है। जैसे ये पैनीवेट है, तो इसके अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बेंजाइल पेनिसिलिन लिखा नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ये इसका जेनेरिक नेम है और पैनीवेट इसका ट्रेड नेम है। उसके बाद हमारे पास जो कोई भी ड्रग है, जैसे ये है या ये पैनीवेट है, इसके अंदर क्या होता है कि जब ये कंपनीज इनको मैन्युफैक्चर करती हैं तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट और दूसरा होता है एक्सीपिएंट। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो यही है बेंजाइल पेनिसिलिन, और जो एक्सीपिएंट्स होते हैं वो बेसिकली फार्माकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से इस एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ डाली जाती हैं, कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, और उनका पर्पस ये होता है कि जैसे एक एक्सीपिएंट की मैं पहले एग्जांपल दे दूँ फिर इनका पर्पस बताती हूँ। CMC ये है सेलुलोज मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। अब ये कंपाउंड क्या है, ये बहुत सारी ड्रग्स के अंदर उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ यूज़ किया जाता है। यूज़ हम एक्सिपिएंट्स करते क्यों हैं, नंबर वन कॉस्मेटिक पर्पजेज के लिए। कॉस्मेटिक पर्पजेज क्या हैं कि आपने एक दवाई का टेस्ट मास्क करना है या उसकी स्मेल को मास्क करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप उस एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये बहुत सारी दवाइयाँ बहुत कड़वी होती हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप क्या करते हैं, उनके साथ आप कोई शुगरी सॉल्यूशंस ऐड कर दिया जाते हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं वो जब उन ड्रग्स को लें तो उनको उसकी स्मेल या टेस्ट की वजह से वो रिजेक्शन में ना जाए। अमूमन जैसे कैट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सा एनिमल है, तो इसलिए उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उन इरिटेशंस को अवॉइड करने के लिए एक्सीपिएंट्स डाले जाते हैं। दूसरा है टू कैरी ड्रग टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। और बहुत सारे एक्सीपिएंट्स जो हैं वो इसलिए डाले जाते हैं कि जो है ड्रग जो है ताकि वो बेहतर तरीके से ट्रांसफ़र हो सके, क्योंकि अभी आप अगले वाले लेक्चर्स देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ड्रग्स जो हैं वो लाइपोफिलिक होती हैं या हाइड्रोफिलिक होती हैं, तो उस हिसाब से उनकी मेम्ब्रेन्स में क्रॉस करना और ट्रांसफ्यूजन वगैरह है डिस्ट्रीब्यूशन वो अफेक्ट हो रही होती है, तो इसलिए एक्सीपिएंट्स हम डाल के उन चीज़ों को ऑल्टर करते हैं। उसके अलावा ड्रग को
शेप देने के लिए भी एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर आप कोई भी अगर ड्रग लें, जैसे पाउडर फॉर्म है, ठीक है, अब उसके साथ जो है कोई भी एक्सिपिएंट डाल के टैबलेट फॉर्म में उसको जब कन्वर्ट किया जाता है तो आप उसको एक पैलेट फॉर्म की शेप दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए भी आप एक्सिपिएंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्मूलेशंस में अवेलेबल हैं मार्केट में, और वो फॉर्मूलेशन क्या है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट्स हैं, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, इन सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। ये फॉर्मूलेशंस पे बेसिकली एक सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इन इन फॉर्म्स में फॉर्मूलेशन में अवेलेबल होता है, लेकिन इनके ऊपर आई विल बी हैविंग अ सेपरेट लेक्चर कि कैप्सूल फॉर्म क्या होती है, टैबलेट फॉर्म क्या होती है, सारा कुछ क्या होता है। उसके बाद ड्रग्स की क्लासेस हैं, मेन टू क्लासेस ऑफ ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर प्रिस्क्रिप्शन। एक ड्रग, एक टाइप को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या प्रिस्क्राइब ड्रग्स, और दूसरी होती हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, या इनको हम ओवर टू काउंटर ड्रग्स भी कहते हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के अलावा किसी भी तरीके से नहीं मिलेंगी, लेकिन जो ओवर टू काउंटर ड्रग्स होती हैं जैसे कि मल्टी विटामिन्स होते हैं, वो आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप ऑफ ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लेबल या कंपाउंडिंग। बेसिकली ये है क्या, इट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ अ ड्रग दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन एन FDA अप्रूव्ड ड्रग लेबल, यानी कि कोई भी ड्रग होती है उसके लिए हमारे पास किसी गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से रेगुलेशंस होती हैं कि आपने ये ड्रग इस कंडीशन में इतने अमाउंट में यानी इतनी डोज में देनी है। लेकिन कभी कभी होता है कि जो थेरेप्यूटिक मेडिकेशंस होती हैं, मेडिसन्स होती हैं, वो FDA अप्रूव्ड ड्रग रेगुलेशंस के अंडर अपना अफेक्ट नहीं दे रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन रीजंस की वजह से उन ड्रग्स के अंदर कुछ मैनिपुलेशंस करके ख़ुद से एक फॉर्मूलेशन तैयार करके हम क्या करते हैं, हम अपने पेशेंट्स को दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यू माइट हैव सीन इसमें, अच्छा ये भी होता है कि जो इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं वो टॉपिकल यूजेज में भी लेके जाई जा सकती हैं, ठीक है। जैसे अमूमन स्किन के अंदर जब अर्टिकेरिया वगैरह प्रोलॉन्ग वगैरह चल रहा हो तो अमूमन जो है वेटनेरियंस सीका ट्रेन, ठीक है, पोली ब्योन, उसके अलावा इसी में अमोक्सीसिलीन भी डाल दी जाती है, ठीक है, सीका ट्रेन, ये इस तरह से फॉर्मूलेशन वगैरह तैयार करके, ठीक है, स्किन के उन इन्फेक्शंस के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ एंटीबायोटिक, ठीक है, इसमें भी एंटीबायोटिक है, और हीलिंग फिर ये जेल या पेस्टी फॉर्म में बना के इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स। इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल है, जैसे बेसिकली इसका पर्पज़ यही होता है कि कंपाउंडिंग का पर्पज़ यही है कि आपने जो ड्रग है ना उसकी कंसंट्रेशन आप चेंज कर देते हो, ठीक है, ताकि आपका जो पेशेंट है उसको अप्रोप्रिएट इफेक्ट उसमें आए, या फिर आपने फ्लेवर वगैरह जब चेंज करने हो तो आप इस तरह के काम करते हो, ठीक है। उसमें एग्जांपल इसी तरह है कि जैसे स्टमक पाउडर जो लार्ज रूमिनेंट्स में यूज़ किया जाता है जब उनके अंदर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो स्टमक पाउडर के लिए यही रिकमेंड की जाती है कि आप जो गुड़ है, जो जैगरी होती है, ठीक है, उसके साथ मिलाकर या फिर आटे के साथ मिलाकर उसकी पैलेट्स या पेड़ियाँ से बना के एनिमल्स को दिया जाता है, ठीक है। गुड़ का मकसद यही होता है कि वो उसकी पैलेटेबिलिटी वगैरह को बढ़ा देता है, तो इसके पर्पज़ ये भी है कि आप जो है डिज़ायर्ड इफेक्ट लेने के लिए इंजेक्टेबल को टॉपिकल फॉर्म में ले जाओ या फिर डिफरेंट
चीज़ें मिला के आप एक ड्रग बना रहे हो खुद, या फिर उसका दूसरा पर्पज़ ये हो सकता है कि आपने उसकी पैलेटेबिलिटी या फ्लेवर वगैरह को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, या फिर आप उसकी अपनी मर्ज़ी से कंसनट्रेशन चेंज कर देते हो, जो कि कंसनट्रेशन FDA ने दी हुई है, उससे चेंज करके अपने तरफ से ज़्यादा कंसनट्रेशन में अमाउंट में दे दी दवाई या फिर कम में दे दी है. बट यू शुड बी विजिलेंट वाइल डूइंग दिस कंपाउंडिंग ऑफ द ड्रग्स. उसके बाद हमारे पास एक और टर्म है, कंट्रोल्ड ड्रग्स. कंट्रोल्ड ड्रग्स क्या होती हैं? दीज आर दी ड्रग्स दैट हैव पोटेंशियल ऑफ अब्यूज. यानी कि ये वो दवाइयाँ होती हैं जिनको जो पेशेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, ये ज़्यादातर ह्यूमन साइड के हैं, जैसा नारकोटिक्स वगैरह या जैसा मॉर्फिन है. अब ये ओपियोइड्स हैं, इनको हम पेन एलिवेशन के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन क्या है कि इनको पेशेंट्स जो हैं वो ड्रग एडिक्शन इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने जो ड्रग्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज किया हुआ है. और जैसे C1, 2, 3, 4, C5 तक हैं, ठीक है, कैटेगरी वन या क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव. अब जो क्लास वन की ड्रग्स हैं दे हैव मोस्ट या मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ एब्यूज़. और जो C5 की ड्रग्स हैं उनके पास उनका मिनिमम या लीस्ट पोटेंशियल ऑफ एब्यूज़ है, ठीक है. जैसे आप इसमें मॉर्फिन ही ले लें, ठीक है, कोई भी इस तरह की ड्रग, और जो जो लीस्ट है उसमें जैसे मल्टीविटामिन्स है, मल्टीविटामिन का कोई पोटेंशियल ऑफ अब्यूज़ नहीं हो सकता. इनकी अगर आप ले रहे हैं तो इसकी आपको कोई ये नहीं है कि आपको एडिक्शन हो जाएगी. बाकी इन जो क्लासेस के ऊपर दे विल बी आर डिटेल्ड लेक्चर, बिकॉज देर आर थ्री डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑन द कंट्रोल ड्रग्स. नेक्स्ट टर्म इज फार्माकोपिया. फार्माकोपिया क्या है? बेसिकली इट्स अ बुक जो कि गवर्नमेंट्स की तरफ से रेगुलेटेड है. कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो है वो इसको वो पब्लिश करती है, ठीक है, उसकी तरफ से ऑथराइज होती है. और उसके अंदर अल्फाबेटिकली जितनी भी ड्रग्स हैं उनको मेंशन किया हुआ होता है और उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है. और जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं मोनोग्राफ. बेसिकली मोनोग्राफ क्या है? एक इस तरह इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि एक ड्रग है, ठीक है, उसका उसकी क्लास क्या है, फिर उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि उसकी हाफ लाइफ क्या है, ये सारा कुछ, उसकी एलिमिनेशन क्लियरेंस, ये सारा कुछ, फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, फिर उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, उसकी डोज रेट क्या है किस एनिमल. ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ये इसको हम कहते हैं मोनोग्राफ ऑफ अ ड्रग. और ये मोनोग्राफ्स इन फार्माकोपिया में, इन बुक्स के अंदर पब्लिश होती है. फार्माकोपिया हमारे पास डिफरेंट हैं, BSP, USP, CSP, ब्रिटिश स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, चाइनीज स्टेट फार्माकोपिया. आपने वुमन ड्रग्स से आगे देखा होगा कि किसी ड्रग का नाम लिखा होता है और साथ BSP, USP या CSP लिखा होता है. तो क्या है कि वो जो रेगुलेशंस हैं वो उस फार्माकोपिया से ली गई होती हैं. अब इस फार्माकोपिया को आपने पढ़ना कैसे है, मतलब ये बताने का मकसद ये था कि बेसिकली जब आप एक ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो व्हाट यू शुड नो अबाउट दैट. तो उसमें ये है कि आपको सबसे पहले एक ड्रग की इंडिकेशंस पता होनी चाहिए. इंडिकेशन का मतलब क्या है कि वो किन कंडीशंस में यूज़ होगी. फिर उसकी वार्निंग्स क्या है, वार्निंग्स या प्रिकॉशंस क्या हैं. बेसिकली वार्निंग या प्रिकॉशंस वो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आप अगर नॉर्मल डोज रेट के ऊपर भी एक ड्रग इस्तेमाल करें तो साथ में लाजमी आते हैं, ठीक है. जैसे विनक्रिस्टिन सल्फेट, ये एक न्यूप्लास्टिक, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, और आप अगर इसको इसकी डोज रेट के ऊपर भी दें तो भी आपको साथ वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह आप देखेंगे एनिमल्स के अंदर आएगा. फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किन कंडीशंस में कौन सी दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. जैसे अलबेंडाजोल है, अलबेंडाजोल प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज वो अबॉर्टिफिशेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए. उसके बाद इसकी
ओवरडोज पता होनी चाहिए, यानी इसकी टॉक्सिसिटीज पता होनी चाहिए। जब एक ड्रग ओवरडोज होगी तो क्या टॉक्सिसिटीज कॉज कर सकती है? जैसे एनसेड्स में जो आते हैं, एनसेड्स नेफ्रो टॉक्सिक्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जीआईटी अल्सर्स कॉज करते हैं, ठीक है। ऑटो टॉक्सिक भी ये होते हैं, ठीक है। ये जैसे अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, वो ऑटो टॉक्सिक होते हैं। इस तरह जो हैं, जो जो ड्रग्स हैं, उनकी क्या क्या टॉक्सिसिटीज आ सकती हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स कंडीशंस आर प्रोलॉन्ग, और आप एक दवाई पर अगर आप प्रोलॉन्ग अरसे के लिए किसी क्लिनिकल कंडीशन को, क्रोनिक क्लिनिकल कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं, तो यू शुड नो कि इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद इस ड्रग की डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या है, किस एनिमल में क्या है। उसके बाद लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज प्रो ड्रग। प्रो ड्रग क्या होती है? प्रो ड्रग इज एनी ड्रग और एनी थिंग दैट अंडरगोज बायो ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एग्जिबिटिंग इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। बेसिकली होता ये है कि आप, मैं इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तो यू विल देन वी विल गेट बैक ऑन द डेफिनेशन, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। एक ड्रग है डोपामीन। हमें पता है डोपामीन बॉडी के अंदर नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, और सिंथेटिकली भी लैब में ये प्रिपेयर होती है एक ड्रग। अब एक डिजीज़ है पार्किंसन, ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ में डोपामीन की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। और इसलिए हमें डोपामीन उन एनिमल्स को इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि उनके ब्रेन में जाए, ठीक है। और उनके ब्रेन में डोपामीन जाए और वो अपने नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे वो एक्ट करे। लेकिन डोपामीन का मसला ये है कि ये एक पोलर कंपाउंड है, और पोलर कंपाउंड कभी भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसका इसकी एक प्रो ड्रग जिसको लीवो डोपा कहते हैं, लीवो डोपा दी जाती है। लीवो डोपा क्या है? ये नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में चला जाएगा और वहाँ जाकर ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और अपने इफेक्ट्स दे देता है। इसी तरह एक ड्रग है एपी नेफ्रीन, ठीक है। एपिनेफ्रीन क्या है? ड्रग है और ये बॉडी के अंदर नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर भी है। अब एपिनेफ्रीन का मसला यह है कि इसकी हाफ लाइफ बहुत थोड़ी है, क्योंकि इसको मोनोअमीन ऑक्सीडेजेस एंजाइम जो बॉडी में बहुत जगहों पर प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जिस तरह ग्लाइकोमा की कंडीशंस हैं, उनमें हमने एपिनेफ्रीन से ट्रीटमेंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एपिनेफ्रीन नहीं दे सकते बिकॉज वो तो बॉडी के अंदर बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी बिफोर इवन इसके इफेक्ट्स वगैरह आएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसका एक प्रो ड्रग डीपीवेफ्रिन देते हैं। डीपीवेफ्रिन क्या करेगा कि इट विल गो इनटू द बॉडी, वो अपनी टारगेट साइट पे जाएगा, वहाँ पर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होकर अपना एक्शन कर देगा। इसी तरह एक तीसरी एग्जांपल है एम्पी सिलीन। एम्पी सिलीन की अब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका एक प्रो ड्रग है मेटासिलीन, ये दे दिया जाता है। जब ये बॉडी के अंदर दिया जाएगा तो क्या होगा कि मेटासिलीन की अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा है, यानी इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी आगे टारगेट साइट्स पे जाके, ब्लड में जाके वो कन्वर्ट ये मेटासिलीन एम्पीसिलीन में ही हो जाएगी। तो बेसिकली प्रो ड्रग क्या है, एक ऐसी ड्रग है जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी होगी बिफोर इट एग्जिबिट एनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। बिकॉज ये जो प्रो ड्रग्स हैं उनके ऊपर कोई नॉन टॉक्सिक प्रोटेक्टिव फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है जो उनको उनके अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जैसे ये पोलर को नॉन पोलर बना दिया इसने, कि वो उस साइट पे चले जाए, साइट पे जाकर वो बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म होगी प्रो ड्रग, और फिर वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगी। उसके बाद एक लास्ट चीज़ और है जिसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बना चुकी हूँ, सो यहाँ पर मैं सिर्फ उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाली। एक चीज़ होती है डोज रेट और एक चीज़ होती है डोजेज। आपको एक ड्रग की डोज रेट पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप ये जो फार्माकोपिया, ये मोनोग्राफ्स, यानी कि इन मैनुअल्स वगैरह से, इन बुक से आप लेते हैं।
और उस डोज रेट को आप एक फॉर्मूला में कन्वर्ट पुट करके आप उसका डोजेज निकालते हैं। डोजेज का फॉर्मूला क्या होता है, बॉडी वेट इंटू डोज रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग। अब ये बॉडी वेट, डोज रेट और कंसंट्रेशन क्या है, इसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी गिवन अ सेपरेट लेक्चर जिसकी वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दैट यू कैन गो एंड सी दैट। सो दैट वॉज ऑल यू शुड नो अबाउट ड्रग्स एंड दैट वॉज बेसिकली बिट इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी। थैंक यू।